अगर मैं आपको कहूं कि आपको उस लड़की से बात करने की जरूरत ही नहीं और वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको कहूं कि आपको किसी लड़की को देखने की जरूरत नहीं है और वो लड़की खुद आपको देखेगी और आपके पास आकर बात करेगी तो आपको कैसा लगेगा? और ये हम सभी लड़कों की इच्छा होती है क्योंकि हम बहुत घबराते हैं लड़कियों से बात करने में। तो इस वीडियो के बाद आपको लड़कियों से बात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएंगी आपसे बात करने। तीन चीज़ें समझनी है और चौंकना मत, ये सारी ही तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देने वाली हैं। फैक्ट नंबर 3, कॉन्फिडेंस एंड दी साइलेंट मैग्नेट। देखो, अब कॉन्फिडेंस के बारे में आपने बहुत ज्ञान सुना होगा, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, आग लगा दो, कर सकते हो, दुनिया हिला दो, पहाड़ तोड़ दो। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिंपली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लड़की आपके थ्रू अट्रैक्ट हो जाए? अगर वो चीज़ें हैं तो अपने अंदर लेकर आओ। आपको कॉन्फिडेंस फील करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। जो भी आप ये मोटिवेशन सुनते हो ना कि आग लगा दोगे, तूफान हिला दोगे, झंडा गाड़ दोगे, डंडा निकाल दोगे, ये सारी ही चीजें टेम्परेरी बेसिस पे होती है। जब तक आपको फील नहीं होगा कि आप स्ट्रांग हो, तब तक आप कभी वो ला ही नहीं पाओगे सामने। और अगर आप अपने लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो आपके चेहरे पे दिखेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी ही फेकनेस क्यों ना लेके आ जाओ। तो आपका कॉन्फिडेंस जेन्युइन होना चाहिए, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि आप कितने ज्यादा कीमती हो। और कभी भी कॉन्फिडेंस को एरोगेंस के साथ तब्दील मत कर देना। उसके साथ मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं गुस्से में दिखाऊं, बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं, आग लगा दूं और बिल्कुल चौड़े में चलूं और बिल्कुल गालियां दूं मैं लड़कियों को। तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बदतमीजी होती है। तो कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप को। तो एक सिंसियर से स्माइल होनी चाहिए। चलो लड़की को देखो, स्माइल करो, हैंडशेक करो, अपना काम करो, रास्ता नापो, किसी लड़की के पीछे पड़ना नहीं, ये होता है कॉन्फिडेंस। फैक्ट नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स वॉल्यूम्स। समझो यहां पर कि आपको एक पॉजिटिव बॉडी पोस्चर चाहिए होगा, जहां पर एकदम सीधे आप खड़े होगे, अपने शोल्डर्स को पीछे लेकर जाओगे और छाती आगे को लेकर आओगे। ये बस सिंपल सा एक पोस्चर आपको भाई बदल के रख सकता है। कभी भी आपको अपने हैंड्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, अपने आर्म्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको एक्टिव लिसनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। कभी किसी लड़की से जब आप बात करो या कोई लड़की आपके पास आकर बात करे तो कभी भी दिमाग से मत सुनो, दिल से सुनो, आई कांटेक्ट बना कर रखो, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझो, वो किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट ले रही है ये समझो, एम्पैथेटिक बनो थोड़ा, वो क्या कहना चाह रही है उसको समझो, वो जो बोल रही है कभी उसकी बातें मत सुनना, वो उसकी वजह क्या है, वो अंदर से चाह क्या रही है उसको समझने की कोशिश करना, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करने की कोशिश करो। प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में मत रहो कि कभी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं उसके साथ इस पोजीशन में सेक्स करूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। अभी प्रेजेंट में देखो कि लड़की बोल क्या रही है, उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को समझना शुरू करो, प्रेजेंट में रहना शुरू करो। और फैक्ट नंबर 1 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह है रॉक योर सेंस ऑफ स्टाइल। दोस्त, जो दिखता है वो बिकता है। तुम कितने ही कॉन्फिडेंस के झंडे क्यों ना गाड़ लो, तुम कितने ही अच्छी पर्सनैलिटी क्यों ना बना लो अपनी बोलने में, लेकिन अगर आपने कपड़े अच्छे से नहीं पहने तो आपकी पर्सनैलिटी काम नहीं आएगी। और यहां पर मैं जानता हूं कि ड्रेस सेंस एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, लेकिन ड्रेस सेंस हम छोड़ के बाकी सब पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, अफर्मेशन, और ये कर दूं, वो कर दूं, भैया अच्छे कपड़े पहन ले यार। और मैं नहीं कहता कि महंगे कपड़े पहनो, मैं नहीं कहता ब्रांडेड कपड़े पहनो, ऑल्दो ये लड़कियों को एक ऐसा सेंस देता है कि भाई लड़का बहुत ज्यादा अपने ऊपर ख्याल रखता है, लेकिन ये कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्लफ्रेंड बना नहीं कर सकते और किसी लड़की से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अपने ड्रेस सेंस पे ध्यान दो, अपने बॉडी टाइप को देखो, कपड़े वो पहनो जो आपको फिट हो, क्योंकि जब फिट कपड़े होते हैं तो एक सेंस ऐसा जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा निखर कर आ रही है, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो। और हमेशा पर्सनल ग्रूम पे ध्यान दो, दाढ़ी वाड़ी सेट करके रखो, बाल वाल कटवाते रहो मेरे भाई, क्योंकि आप दिख कैसे रहे हो उसके बेसिस पे लड़की जज करने वाली है कि अंदर से आप कैसे होगे, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही चलती हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है। आपकी ईमानदारी, आपकी लॉयल्टी, आपका लविंग नेचर, आपका अंडरस्टैंडिंग नेचर, आपका केयरिंग नेचर किसी लड़की को नहीं दिखने वाला। पहले बाहर से इज्जत बनाओ, उसके बाद अंदर से लड़की को पहचान लेंगे, जान लेंगे, और जो चाहते हो वो भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, भाई उनकी भी गर्लफ्रेंड बन जाए, अकेले ही बना के घूमोगे, जल जाएंगे भाई वो। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।